मैं हूं माधुरी करार। अर्थव्यवस्था को देखते हुए भारतीय सरकार ने सबसे ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सरकार ने 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए। जाहिर है आपके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे, आप परेशान हो रहे होंगे कि अब होगा क्या। मन में सवाल उठ रहा होगा कि क्या आपकी मेहनत की कमाई रद्दी बनकर रह गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। वी राजस्थान न्यूज पर आज दिन भर इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे, आपकी हर तरह की शंका संशय का समाधान होगा। 500 और 1000 के नोट बीती रात 12 बजे से बंद हो गए। जाहिर है कि इस फैसले से आप परेशान हो रहे होंगे, लेकिन अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि यह फैसला काले धन के कुबेरों पर नकेल कसने के लिए लिया गया है। नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। काले धन के खिलाफ जाग उठा हिंदुस्तान। भ्रष्टाचार, काला धन एवं जाली नोट के खिलाफ हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, सामान्य नागरिक जो लड़ाई लड़ रहा है, उसको इससे ताकत मिलने वाली है। काले धन के खिलाफ जनता की सबसे बड़ी जंग। ये एक अच्छा कदम है ब्लैक मनी को कंट्रोल करने के लिए। हमारे देश में ये जाली करेंसी जो आ रही है दूसरे मुल्क से, वो बंद होगी। और ये ब्लैक मनी पे उन्होंने एक बहुत बढ़िया सर्जिकल स्ट्राइक की है। काले धन के खिलाफ सबसे बड़ी क्रांति। पिछले 2.5 साल में भ्रष्टाचारियों से करीब करीब 1.25 लाख करोड़ रुपया, ये कम रकम नहीं है, 1.25 लाख करोड़ रुपए का काला धन बाहर लाया गया है। 1947 अंग्रेजों से आजादी, 2016 काले धन से आजादी। देश में काले धन के खिलाफ जो लड़ाई है वो एक निर्णायक मोड़ पर पहुंची है। देश का प्रधानमंत्री चाहे तो क्या नहीं कर सकता, आने वाले कुछ समय में इसका प्रभाव पूरे देश में देखने को मिलेगा। भारत सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री के साथ द्वारा 500 और 1000 के नोटों पर लगी पाबंदी का हम स्वागत करते हैं। काले धन के खिलाफ इंडिया का ऐतिहासिक आंदोलन। ब्लैक मनी बाहर आ जाएगी और उसके लिए गवर्नमेंट को बहुत फायदा होगा। टू बी ऑनेस्ट, एज अ ब्लैक मनी अच्छा कदम है, लेकिन अभी पता नहीं अभी जिसके पास ज्यादा ब्लैक मनी है दे आर इन वरी। मेरे को तो अब बहुत अच्छा लगता है कि इससे कोई भ्रष्टाचार सब कम होगा, जिसके पास गलत धन है वो पूरा बाहर आएगा। कई बार जब इस तरह के फैसले आते हैं तो हम चीजों की लॉन्ग टर्म पॉलिसीज को नहीं समझ पाते, लेकिन उसे आपको समझना होगा, क्योंकि शायद इससे आपको ही फायदा होगा। भ्रष्टाचार कम होगा, आप किसी को सीधे कैश नहीं दे पाएंगे, आप काला कारोबार नहीं कर पाएंगे, और उससे फायदा होगा आम आदमी को। लेकिन अभी फिलहाल बहुत सारी गुत्थी दिमाग में चल रही है कि क्या किया जाए, क्या करेंगे, होगा क्या। जयपुर में भी 500 और 1000 के नोट बंद होने के बाद महिलाओं के गुल्लकों पर खासा असर पड़ा है, क्योंकि देखिए इंडियन कम्युनिटी में देखा जाए तो सबसे बड़ी चीज जो महिलाएं होती वो हमेशा से घर वालों से या अपने पति से भी छिपाकर अपनी गुल्लक के नोट जरूर रखती है। लेकिन नोट बंद होने के बाद अब गुल्लकों से नोट निकलने लगे। जयपुर की महिलाओं ने सेविंग कर रखी थी, लेकिन अब यह पैसा उन्हें सेविंग से बाहर निकालना पड़ा। महिलाओं का कहना था कि यह पैसा इसीलिए छिपा कर रखना पड़ता था क्योंकि मुसीबत के वक्त यही पैसे काम आते, और एक आम इंडियन सोच है जिसमें 500 और 1000 के नोट अधिक हैं। लेकिन अब होगा क्या और इन महिलाओं के क्या क्या रिएक्शन है, क्योंकि जब से यह पैसा आया है लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। आप भी सुनिए कि क्या कहती हैं जयपुर की महिलाएं। पैसे तो हर लेडी जमा करके रखती है, मेरे तो शोर बार रहते हैं तो पैसा मुझे ही रखना पड़ता है, जमा के भी रखना पड़ता है, हर काम मुझे ही करने होते हैं, बच्चों के, लड़कों के, लड़कियों के, नातों के, सबके करने पड़ते हैं। अब मैं तो बैंक बैलेंस भी नहीं जानती हूँ ना उनका, 2000 लेके मैं कहाँ जाऊँ।
जो हजार लेके भी नहीं जाती, सबको बताती रहती हूँ भाई ये काम करना ये करना वो करना, इतने पैसों में बड़ी दिक्कत आ रही है मेरे को, तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत आ रही है। यही जो प्रॉब्लम है कि बैंक जाए तो वो भी आज बंद है जैसे, और कोई अर्जेंट काम करना है तो प्रॉब्लम तो आएंगी, या कुछ हमें अर्जेंट खरीदना है या शादी ब्याह है घर में तो इसलिए भी प्रॉब्लम आएगी, या सब्जी वगैरह लेना है और हमारे पास 500 का 1000 का ही नोट है तो फिर चेंज में दिक्कत आएगी, किसी से चेंज कराना है या कुछ लाना है, बाजार जाना है शादी ब्याह घर में, तो या कोई हारी बीमारी है तो एकदम अचानक कहीं जरूरत पड़े तो हमारे पास नोट होते हैं तो फिर इसमें दिक्कत तो आती है आएगी, तो हमारे साथ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो भाई घर गृहस्थी में तो सेविंग होती है, भाई हारी है बीमारी है बच्चों का साथ है कुछ कहीं आना है जाना है तो लेडीज तो भाई छुपा छुपा के रखती है ना जो भी है। अब ये गुल्लक मेरे पास में पैसे है तो मैं इसको क्या करूँ, मुझे तो कुछ बैंक में कितनी मैं जाऊँ या चेंज कराए कितना चेंज कराए। लेकिन अगर आपके गुल्लक में आज 100 के नोट निकले 50 के नोट निकले तो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन इस चीज को समझना होगा, आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी डिसीजन जब आता है तो सबसे पहले हम गलती ये करते हैं कि हम पैनिक हो जाते हैं, सोचने लगते हैं होगा क्या, लेकिन कुछ सोचने की जरूरत नहीं। आप देखिए कि जैसे ही यह डिसीजन आया जोधपुर में पेट्रोल पंप पर लोग परेशान नजर आए, हाथों में 100 और 500 का नोट ले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, खासकर पेट्रोल पंप पर खुले पैसों को लेकर मारामारी देखने को मिल रही है। हालांकि सरकार ने पेट्रोल पंप पर 500 और 1000 के नोट चलने की बात की है 3 दिन तक, लेकिन पेट्रोल पंप पर खुले पैसों को लेकर कोहराम मच गया है। आलम यह है कि पेट्रोल पंप पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई है। सौ 500 रुपए का लाके 100 रुपए का भरा रहे हैं या 1000 का लाके 200 का भरा रहे हैं तो पैसे देने के लिए वापस 800 या 100 रुपए 400 रुपए देने पड़ेंगे ना, वो 400 रुपए बैंक आज बंद हो गए एटीएम बंद हो गए तो लाएंगे कहाँ से पेट्रोल पंप वाले, हर एक व्यक्ति 500-1000 रुपए ला रहा है तो पैसे लाएंगे कहाँ से देने के लिए, पैसे लाएंगे कहां से। लेकिन आप इस बात का ख्याल रखिए कि 11 तारीख तक आप पेट्रोल पंप, रेलवे स्टेशन, एयर टिकट बुकिंग इसमें सब में अपने पैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इधर 500-1000 के नोट बंद होते ही हर घर में हर इंसान के मन में यह हलचल शुरू हो गई। धौलपुर की तस्वीरें दिखाते हैं जहां बाजार बिल्कुल ठप नजर आ रहे हैं, लोग कई बार जानकारी के अभाव में नोट बंद होने से परेशान नजर आ रहे हैं, लेकिन आपको पूरी जानकारी वी राजस्थान न्यूज लगातार दिखाएगा। धौलपुर की खबर देखिए कि बाजार किस तरह से ठप नजर आ रहे हैं। आज 500 रुपए और 1000 रुपए को बंद करने का असर धौलपुर में भी देख सकते हैं आप देख सकते हैं कि धौलपुर की बैंकें दोनों बैंक एचडीएफसी बैंक भारतीय स्टेट बैंक और जे एटीएम जितने भी हैं धौलपुर के सब बंद पड़े हुए हैं, उनके कर्मचारी आके अंदर काम कर रहे हैं जो क्या बाहर से सारी बैंकें बंद हैं, लोगों के साथ असंजक की स्थिति में है कि अब क्या होगा। आज लोग बैंकों पर भी आ गए पर बैंकों पर आने के बाद पता चला कि आज के दिन बैंक बंद है, एटीएम भी 2 दिन के लिए बंद है, बाजार भी आज आधे खुले हैं इस एक को लेकर के 500 का 1000 के नोट का अब क्या करेंगे हम लोग। अलग अलग जगहों से अलग अलग लोगों के रिएक्शन हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन फिर अपील करेंगे कि आप पैनिक मत होइए, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, घबराना उनको है जिनके पास काला धन जमा करके रखा है। हालांकि ये इंडियन जो मेंटेलिटी है या इंडियन की जो इंडियन कम्युनिटी है उसमें एक चीज होती है, छोटे घरों में भी आप जाएंगे तो पैसा आपको मिलेगा, बहुत सारा पैसा इकट्ठा करके रखते हैं कि कहीं मुसीबत के वक्त काम आए, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप बैंक में या पोस्ट ऑफिस में जाकर उसे जमा करिए, आपको वो पैसे फिर मिलेंगे। 30 दिसंबर तक ही नोट आप जमा कर सकते हैं, 50 दिन का वक्त है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। वी राजस्थान न्यूज अपील कर रहा है आपसे कि आप बिल्कुल घबराए नहीं, पैनिक ना हो, आपकी कमाई अगर ईमानदारी से कमाई गई है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, घबराना उनको होगा जिनके पास काला धन है। अगर आप 50 दिन में भी अपनी चीज पूरी नहीं कर पा रहे हैं, नहीं करा पाए, तो आपके पास एक और मौका सरकार आपको दे रही है। 31 मार्च 2017 तक आप आरबीआई से एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरिए और आरबीआई में जमा करा दीजिए, आपका पैसा आपको मिलेगा, इसलिए बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए कोटा का रुख करते हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता हिमांशु मित्तल जुड़े हैं, जयपुर से आशुतोष जुड़े हैं। हिमांशु, एक चीज समझाइए मुझे कि लगातार रिएक्शन आ रहे होंगे आपके पास, उठा पटक लोगों के मन में बहुत हलचल है, जानना चाहते हैं कि आखिर वो करें क्या, कोटा में क्या क्या कुछ हलचल चल रही है।
देखिए बिल्कुल आपको समझाना चाहेंगे, अलग अलग तस्वीरें कोटा के हर तबके से हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे पेट्रोल पंप हो, चाहे एटीएम शॉप हो, चाहे कचौरी की दुकान हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, हर जगह पर पूरी तरह से हलचल देखी जा सकती है। तो हलचल महिलाओं में भी है, वो महिलाएं जो कि अक्सर हम देखते हैं कि भारतीय महिलाएं जो अपने पति का जो पर्स है उसमें से कहीं ना कहीं 500 और 1000 के नोट पर जो सैन मारती हैं और उसे छुपा करके रख देती हैं और उस इस तरह के नोट बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो नोट है जो इकट्ठा है वो निकल करके बाहर आ रहे हैं, वो गुल्लक फूट रही है, अपने पति के सामने वापस जा रही है, ऐसा कुछ हो रहा है। देखिए ऑनेस्टली मैं कहूंगी कि मोदी जी की इस स्टेप से मैं बहुत ज्यादा खुश हूं, क्योंकि मेरे पास एक रुपया भी कालाधन के रूप में नहीं है, मेरे पति से मैंने कोई जेब नहीं मारी है, मेरे पास जो है अपनी अर्निंग का है, मैं खुद इनकम टैक्स पे ही हूँ, इसलिए मेरे पास कोई भी रुपए मैंने अपने पति की जेब से नहीं मारा। आपने कुछ जमा किया था अपने पति की जेब से? पति की जेब से बहुत सारा जमा किया था, जो सारा काला धन निकल गया है, सामने आ गया है, जो कि नहीं निकालना चाह रही थी, बस वही है। कितना इकट्ठा हुआ? समथिंग 50,000 करीबन। 50,000 निकल गया, आपका बताइए। नहीं, मोदी जी ने जो भी निर्णय लिया बहुत ही अच्छा लिया, हमारे पास कुछ निकला, हमारे एक नंबर का धंधा है और वही जो हमारे पति के पास है वो हमारे पास है। चलिए साहब, आपका क्या निकला आप बताइए? हमारा कुछ भी नहीं निकला, हमारे सब कुछ एक नंबर में, तो हमें परेशान होने की कोई। चलिए साहब, आप तो सब लोग एक नंबर में ही बता रहे हैं, आपने तो कुछ निकाला होगा? नहीं नहीं, मैं तो बहुत, ये मोदी जी के प्रयास सराहनीय प्रयास है बहुत ज्यादा, क्योंकि एक तरफ ऐसे इंसान है जो टैक्स पेयर है और एक तरफ वो है जो पैसे को बचा के रख रहे हैं, तो ये कम से कम सभी एक लेवल में तो आएगी ना ये चीज, टैक्स पेयर क्यों सफर करे और जो बचा रहे वो क्यों ऐसे एंजॉय करे। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, ये बहुत अच्छी प्रतिक्रिया है, क्योंकि इसमें सोचने की जरूरत उनको है, परेशान होने की जरूरत उनको है जो कि काला धन जमा कर रखा है। आपकी क्या, आपका क्या नजरिया? देखिए मेरे हस्बैंड पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं और जो भी है उनको इनकम टैक्स दिए जाते हैं, तो हमारे में ऐसे कुछ नहीं। मैं मोदी जी से इस फैसले से बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि गरीबों को आगे बहुत मदद मिलने वाली है और रियल एस्टेट में जो पैसा ज्यादा जा रहा है वो बचेगा और काला धन जो बाहर से आ रहा है वो भी बहुत मतलब आगे बढ़ेगी। लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, अभी थोड़ा सा हाँ लोगों को परेशानी सही सही, 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 सही तो लॉन्ग टर्म में बहुत बहुत फायदे होंगे, छोटे छोटे भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत स्ट्रॉन्ग व्यवस्था है और उसमें अभी बहुत अच्छी चल रही है। बिल्कुल सही कहा आपने, मेरे साथ हिमांशु आप बने रहिए, आप बने रहिए आशुतोष मेरे साथ बने हुए, कुछ व्यापारी भी उनके साथ हैं, लेकिन इस बीच हमारे साथ हमारे गेस्ट रिकॉर्ड जुड़ गए, हमारे साथ दीप बी साहब हैं, आर्थिक मामलों के जानकार हैं, टैक्स की इनको बहुत अच्छे से टैक्सेशन की जानकारी है। साहब आपका बहुत बहुत स्वागत। मेरा सबसे पहला सवाल ये, देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो दुनिया की टॉप 10 अर्थव्यवस्था में से भारतीय अर्थव्यवस्था का नाम आता है, अगर इतना बड़ा फैसला मोदी सरकार लेती है करेंसी को लेकर, कितना चेंजेस देखने को मिलेगा, क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव? पॉजिटिव ज्यादा दिख रहे हैं, नेगेटिव थोड़े कम ही है। पॉजिटिव का मोदी जी के जो भी डिसीजन है उसको लोगों को थोड़े दिन बाद समझ में आया है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने काफी पहले ही बता दिया था कि जो भी हम सरकार निर्णय ले रही है वो देश हित में ले रही है और पॉजिटिव इन द सेंस हमारी जो भी है ब्लैक मनी जो एक तरह से डंप पड़ी रहती थी वो अब बाहर आएगी किसी न किसी रूप में, और ये सरकार ने पहले ही चेता दिया था कि, और मोदी जी ने अपने चुनावी कैंपेन में भी कहा था कि सरकार में अगर मोदी सरकार आती है या भाजपा सरकार आती है तो काले धन पे वो बहुत बड़ा स्टेप लेगी और वो मोदी जी ने करके दिखा दिया। इसके लिए प्रधानमंत्री और भाजपा सरकार या अभी सरकार ने जो किया है वो काफी हद तक देश हित में है, इसका रिजल्ट आने वाले टाइम पे बहुत अच्छा दिखेगा। आशुतोष आप हमारे साथ बने रहे हैं, लेकिन इस बीच आशुतोष भी हमारे साथ बने हुए, आशुतोष आपके साथ कुछ लोग हैं, क्या रिएक्शन सबसे पहले जयपुर में लोगों का आपको मिले और अब क्या कुछ हलचल वहां पर चल रही है? देखिये माधुरी, चांदपोल के उस बाजार में मैं इस वक्त मौजूद हूँ जहाँ पे आमतौर पर बहुत ज्यादा हलचल रहती है। एक बार मैं आपको बाजार दिखा दूँ, ठीक एक दिन बाद देवउठनी ग्यारस देखने को मिलेगी जहाँ पे शादियों की शुरुआत होगी। बिल्कुल, बेहद व्यस्ततम बाजार उस वक्त हो जाता है, लेकिन आज पूरी तरीके से इस बाजार में किसी भी तरह की कोई हलचल दिखाई नहीं दे रही है। लिख दिया गया है कि 500 और 1000 के नोट स्वीकार नहीं किए जाएंगे। व्यापारी वर्ग मेरे साथ मौजूद है जो लंबे अरसे से इस बाजार को संचालित कर रहे हैं, प्रकाश जी मेरे साथ मौजूद हैं, इस फैसले को लेकर हम उनसे भी बातचीत करेंगे। प्रकाश जी, एक बड़ा फैसला सामने निकल के आया है, आमतौर पे इस बाजार में, चांदपोल की इस बाजार में जो छोटी चौपड़ के पास में स्थित है, बहुत अच्छी भीड़ रहती है, अब शादी है परसों से, किस तरह की चीजें आपके सामने आ रही है, किस तरह के ग्राहक आपके सामने आ रहे हैं? देखिए सबसे पहले तो मैं
हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इतना बड़ा फैसला देश के हित में लिया है। इसके बाद जैसा कि पब्लिक के लिए है, पब्लिक को आज बिल्कुल जरूर कुछ असुविधा महसूस हो रही है, क्योंकि परसों देवउठनी 11 की वजह से भयंकर शादियां हैं और लोगों को पैसे की वजह से बड़ी दिक्कत फील हो रही है। लोग सामान नहीं खरीद पा रहे हैं, उनको बहुत दिक्कत हो रही है। बाकी ये बात सही है कि ये देश हित का बहुत बड़ा फैसला है, जिससे देश को आगे आने वाले समय में बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है और जनता को भी। चूंकि आज थोड़ा सा असुविधा हो रही है, लेकिन जब वो देखेंगे कि 4-5 साल बाद देश के विकास में ये फैसला कितना बड़ा भागीदार बनता है, तो जनता को जरूर इससे राहत मिलेगी। आपके पास कोई ऐसा ग्राहक आया हो जिसने कहा हो भाई मेरे पास पैसे नहीं है, शादी है? कोई ऐसा ग्राहक आपके पास आया हो शादी हो जिसके घर में? मेरे पास जैसे आज सुबह से 4-5 ग्राहक आए हैं, और चूंकि एक व्यापारी होने के नाते, मानवता के नाते, मैंने उनकी जितनी मदद मैं कर सकता था मैंने उनकी की है, और मैंने उनको सामान भी ये कह के दे दिया है कि आप चूंकि लड़की की शादी कर रहे हैं और लड़की की शादी आदमी के जीवन में बहुत बड़ी चीज होती है, आप इस शादी को सुलटाइए और जब भी आपके पास 2-4-5 रोज में पैसे की व्यवस्था हो जाए आप मेरे पास पैसा भिजवा दीजिए। चेक रखा गया आपकी तरफ से? नहीं, चेक के लिए मैंने बोला है, लेकिन कुछ ग्राहक बोले साहब हमारे पास तो चेक ही नहीं है, और एक दो ग्राहक उन्हें चेक भी दे दिए जिनके पास चेक नहीं है। मैंने उनको कह दिया, मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लड़की की शादी है, ये धर्म का काम है, आप इसको प्रेम से सुलटाइए और बाद में मेरे पास पैसा भिजवा दीजिए। देखिए माधुरी, जयपुर से इस वक्त एक अच्छी और राहत वाली खबर है, काले धन को लेके जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लड़ाई चल रही है उसमें जयपुर के जो व्यापारी हैं वो खुल के सामने आए हैं और एक अच्छी बात इसको बता रहे हैं, और एक पहल भी की गई है क्योंकि परसों से बड़े सावे हैं, शादी है, एक बड़ा माहौल देखने को मिलेगा, तो उन पिताओं के लिए एक अच्छी खबर है कि जयपुर के व्यापारी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, अगर उनके पास में पैसे की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो वो यहाँ से सामान खरीद सकते हैं। एक अच्छी खबर अच्छे दिनों के बीच में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, व्यापारी वर्ग में भी खुशी है। देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि इस चीज के लॉन्ग टर्म बहुत फायदे हैं। बीआर साहब हमारे साथ बने हुए लगातार, ये माना जाए कि एक बड़ा फैसला जरूर, और इसके साथ साथ अगर अर्थव्यवस्था की भी बात कर लें, क्योंकि अगर हम सबसे पहले देखें तो मुझे एक चीज जो समझानी है लोगों को, क्योंकि सबसे छोटा जो व्यापारी है या फिर जो किसान है वो इस चीज में बहुत कंफ्यूज है। सर हम लोग देख पा रहे हैं कि लॉन्ग टर्म इसके बहुत फायदे हैं, लेकिन किसानों को कैसे, उनको लग रहा है कि उनके घर में जो पैसा पड़ा है वो कैसे यूज होगा, कैसे चेंजेस होंगे, क्या उनका पैसा उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये बहुत बहुत बड़ी परेशानी लोगों के मन में चल रही है। जो भी परेशानी है वो एक दो दिन में पूरी तरह से सरकार और रिजर्व बैंक क्लियर कर देगी, ऐसा कुछ है नहीं और लगता भी नहीं है कि ये बहुत बड़ी परेशानी होगी। छोटे लोग या छोटे किसानों को जो भी परेशानी है वो आज या कल में, कल मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से रिजर्व बैंक भारत सरकार पूरा क्लियर कर देगी कि किस तरह से उनके जो 500 और 1000 के नोट है वो बदले जाएंगे। तो ऐसा पैनिक होने का मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में कोई परेशानी हो, और ये हमेशा होता है कि कोई चीज भी सरकार करती है तो एक दो दिन लोगों को लगता है कि सरकार ने बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया, पर जैसे जैसे वो स्थिति क्लियर हो जाती है तो उनको ये समझ में आता है कि सरकार ने जो भी डिसीजन लिया है वो देश के नागरिकों के लिए, देश की सुरक्षा के लिए और आगे लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बेहतर डिसीजन है सरकार का। लॉन्ग टर्म बिल्कुल फायदा मिलेगा, लेकिन हम लोगों से फिर अपील कर रहे हैं कि आप घबराइए नहीं, पैनिक मत होइए, आपका पैसा आपको जरूर मिलेगा। अगर आपके पास काला धन है तो आपको घबराने की जरूरत है, लेकिन आप समझिए कि अगर आप भी कोई राय हमें देना चाहते हैं इस मसले पर, क्योंकि आज ये कहें कि ऐतिहासिक दिन है, बहुत बड़ा दिन इसे कहा जा सकता है देश और दुनिया के लिए थे, क्योंकि सबसे ताकतवर देश का जहां राष्ट्रपति चुना गया है, ट्रंप जीत गए हैं, इधर उसका फायदा कहीं ना कहीं, क्योंकि ट्रंप भी बिजनेस मैन माने जाते हैं और बिजनेस अच्छा करते हैं, तो कहीं ना कहीं भारत के लिए वो भी एक उम्मीद है, और इधर करेंसी का चेंज होना, देखिए बहुत बड़े बड़े फैसले आज के दिन हुए हैं, ये ऑपरेशन शुद्धिकरण है, काला धन हटाना है देश से, और सबसे बड़ी चीज ये कि अगर अभी आप देखा जाए तो पूरा प्रोसीजर था सरकार के पास, SIT गठित करना, उसके बाद इनका ब्लैक मनी के लिए पॉलिसी लाना, उसके बाद ब्लैक से व्हाइट को बदलने के लिए लोगों को फ्री हैंड देना कि आप ब्लैक से व्हाइट करिए, उस मनी को जमा कराइए, हम व्हाइट में बदलेंगे, और अब सर्जिकल स्ट्राइक कर देना इस पे, एक बहुत बड़ा फैसला, प्रोसीजर से चल रही थी सरकार, लेकिन सचमुच क्या पूरी तैयारी के साथ उतरी है इस फैसले के साथ सरकार?
सरकार मेरे हिसाब से पूरी तैयारी के साथ उतरी है और सरकार ने दो तीन दिन पहले जैसे मीडिया में कई जगह आने लग गया था कि 2000 का नया नोट सरकार ले आई है या 500 रुपए का नया नोट सरकार लेके आ रही है, तो सरकार की तैयारी पूरी थी और मुझे नहीं लगता सरकार ने बिना तैयारी के ऐसा कोई डिसीजन इतना बोल्ड डिसीजन ले थी। और कल परसों से एटीएम में भी 2000 के नए नोट और 500 के नए नोट आ जाएंगे, तो ऐसा कोई घबराहट होनी नहीं चाहिए। और वैसे भी त्योहारों के सीजन में एक दो दिन की छुट्टी होती है तो हम अपने तरह से मैनेज कर लेते हैं और कोई पैनिक होते नहीं है, तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि लोगों को पैनिक होना चाहिए। और कल सुबह से तक तो शायद बैंकों में भी कुछ रुपए चेंज करने का सरकार फैसला कर लेगी, तो डेली यूज के लिए तो सरकार की तरफ से एक आश्वासन है कि 4-5 हजार रुपए तक तो डेली। देखिए 4 हजार रुपए आंकड़ा है कि इस सावे चल रहे हैं, सावे शुरू होने वाले हैं कल परसों से और 40 से 50 हजार शादियां हैं, ऐसे में उन लोगों को बहुत डर लग रहा है कि आखिर 500 हजार का नोट ही अगर बंद हो गया, वो करेंसी ही अगर बंद हो गई तो वो कैसे निपटाएंगे उन सब चीजों का। क्योंकि देखिए अगर गुल्लक मेरे पास है तो शायद मैं सबसे अमीर हूं, आज मेरे पास सबसे ज्यादा पैसा है, लेकिन जो अमूमन लोग 500 हजार के नोट रखते हैं या है उनके पास या उनको उतना अपना काम करना है, शादियां कैसे निपटेगी, क्या कुछ होगा, उन लोगों को क्या क्या समझ लेना चाहिए। चलिए आप इस सवाल का जवाब दीजिएगा सर, लेकिन कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं लगातार और आप भी हमारे साथ जुड़िए, इस पर अपनी राय दीजिए। कॉलर है हमारे साथ जी, अपना नाम बताएं, अपनी राय रखें। क्या आप लाइन पर हैं, आपकी आवाज चलिए लगता है कि उनका संपर्क हमसे नहीं हो पाया है, लेकिन आपके लिए कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। वीर बी साहब हमारे साथ जुड़े, टैक्स चीजों के और आर्थिक मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशुतोष आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे रिपोर्टर्स और भी हमारे साथ बने रहे और ऑपरेशन शुद्धिकरण पर हमारी खास पेशकश लगातार जारी है, देखते रहिए जी राजस्थान न्यूज। सरकार का वो ऐतिहासिक फैसला जिससे देश को काले धन से आजादी मिल जाएगी, एक ऑपरेशन शुद्धिकरण इसको कहीं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अब आपका पैसा आपको जरूर मिलेगा लेकिन वो काला धन जो सचमुच देश के लिए एक कलंक बन चुका था वो मिटेगा। और ये एक बहुत बड़ा फैसला है, बहुत बड़ा। लेकिन अब जैसे ही यह फैसला लिया गया, देखिए वक्त बिल्कुल नहीं दिया गया किसी को भी सोचने का, प्रधानमंत्री खुद रात 8 बजे जब अपना भाषण दे रहे उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पूरी तरह से 500 हजार के नोटों का लीगल टेंडर अमान्य हो जाएगा, यानी अब 50, 500 और 1000 के नोट आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। लेकिन 3 दिन तक आपको कुछ चीजों में रियायत दी गई है, अगर आप रेलवे स्टेशन पर हैं, आप बस स्टैंड पर हैं, आप अपना टिकट बुक करवा रहे हैं, आप अगर सरकारी अस्पताल में, या गौर कीजिएगा निजी अस्पताल में आपको भुगतान चेक से करना होगा, लेकिन अगर आप सरकारी अस्पताल में हैं किसी सरकारी संस्थान में और आपको वहां पर पेमेंट करना है तो आपको 11 तारीख तक घबराने की जरूरत नहीं। हम बार बार आपसे यही अपील कर रहे हैं, पैनिक मत होइए, घबराइए मत, कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ ऐसा है जिनके पास काला धन है उनको सोचने और घबराने की जरूरत है, अगर आपकी ईमानदारी का पैसा आपके पास है तो वो आपको जरूर मिलेगा। हमारे साथ हमारे गेस्ट भी जुड़ गए हैं, सीए हैं विनोद चित्तौड़ा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस बीच हमारे रिपोर्टर जगह जगह से हमारे साथ हैं, लेकिन इस वक्त आशुतोष मुझे दिख रहे हैं, आशुतोष हमारे साथ हैं, कुछ लोग उनके साथ हैं। विनोद चित्तौड़ा साहब मैं आपके पास आऊंगी, देखिए अगर अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो इसके बाद एक बहुत बड़ा बूस्टअप मिलेगा या सचमुच देखा जाए कि इस ऐतिहासिक फैसले के बाद काले धन से आजादी मिलना तय है। हेलो हेलो सर, आपकी आवाज आ रही हमारे पास, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल, आ जी आ रही है। 2.5 साल का कार्यकाल सरकार ने कोशिश की शुरू से, अपने मैनिफेस्टो में भी रखा कि काले धन से निजात दिलाएंगे, ये कहें कि इस फैसले का निर्णायक मोड़ आ चुका है। हेलो हेलो, लगता है शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही, पीसीआर से मैं कहूंगी कि कुछ टेक्निकल फॉल्ट है शायद। आशुतोष मेरे साथ, आशुतोष कुछ लोग हैं आपके पास, क्या रिएक्शन? फिलहाल लोग मान रहे हैं इस चीज को कि थोड़ी बहुत दिक्कत होगी क्योंकि शादियां नजदीक है, बहुत सारे ऐसे काम हैं और बहुत सारे ऐसे आयोजन होते हैं जिसमें सचमुच सिर्फ पैसे के बिना कुछ नहीं होता, लेकिन लोगों के रिएक्शन क्या दिख रहे हैं? मिली जुली प्रतिक्रिया है कि लोग इस फैसले के समर्थन में दिख रहे हैं?
देखिए बहुत सकारात्मक सोच दिखाई दे रही है लोगों की भी, व्यापारियों की भी, हर उस वर्ग की जो साफ तौर से ये चाहता है कि देश का भला हो। जब घर की सफाई करते हैं, जब कहीं पे गंदगी होती है उसकी जो सफाई करते हैं तो धूल उठती है, शायद उस धूल से किसी तरह की हमें थोड़ी बहुत खांसी भी आ जाती है। जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसको कड़वी दवाई। देखिए बहुत सकारात्मक सोच दिखाई दे रही है लोगों की भी, व्यापारियों की भी, हर उस वर्ग की जो साफ तौर से ये चाहता है कि देश का भला हो। जब घर की सफाई करते हैं, जब कहीं पे गंदगी होती है उसकी जो सफाई करते हैं तो धूल उठती है, शायद उस धूल से किसी तरह की हमें थोड़ी बहुत खांसी भी आ जाती है। जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसको कड़वी दवाई।